हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से खेतों की तरफ जा रहा हूं, तो आज आपको फिर से खेत दिखाऊंगा और उसके साथ जो भी होगा वो भी सब दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप इस साइड में देखेंगे पूरा गेहूं की फसल हो रही है, या फिर इस साइड में भी पूरी गेहूँ की फसल है, क्योंकि ये खेत मटर के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब अच्छी जो मिट्टी होती है ना, उसके हिसाब से भी फसल बोई जाती है, तो ये वाली जो मिट्टी है खेतों में वो मटर के लिए अच्छी नहीं है, बट इसमें गेहूं के लिए सही है, तो गेहूं बोए गए हैं। तो इस साइड आपको सारी फसल है वो गेहूं की नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मटर की नहीं जा सकती, मटर कर सकते हो, बट जो पैदावार है ना इसमें उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए लोग छोड़ ही देते हैं कि उस फसल को क्यों बोया जाए जो जिसमें पैदावार अच्छी ना हो। तो इसलिए अक्सर करके लोग करते नहीं है वो चीज़, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जितनी पैदावार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसान, अगर वो ना हो और हमें पहले से ही पता है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना करने का, इसलिए लोग छोड़ ही देते हैं। पहले इस साइड में ये खाली जगह हुआ करती थी, तो हम क्रिकेट खेलने आते थे, तो सभी जो भी खाली जगह थी सब भर गई है, ख़त्म हो गई है। क्रिकेट खेलने का जो स्पेस था वो ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ से लेकर के जो वो खम्बा खड़ा है वहाँ तक पूरा स्पेस खाली हुआ करता था, तो क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस था, बट अभी नहीं है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये खेतों के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। एक्चुअल में हमने खेती की भी है, प्लस जब हम 6th 7th 8th क्लास में थे तो उस टाइम पर कृषि विज्ञान हमने पढ़ा भी था, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पर हमारे टीचर पढ़ाते थे। इवन हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल में गेहूं काटे हैं, टीचर ले जाते थे खेतों में, गेहूं काटते थे, तो ऐसा भी कुछ हुआ है हमारे साथ, इसलिए मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि कौन सी दोमट मिट्टी होती है, कौन सी चिकनी मिट्टी होती है, और हमने किया भी है तो इसलिए हमें पता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है। तो यही रीज़न है इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ, अगर ये शायद मैंने किया नहीं होता या फिर पढ़ा नहीं होता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको नहीं बता पाता। तो ये जो हमारा खेत है तीसरा वाला, इसमें गेहूं की फसल हो रही है, अभी काफ़ी अच्छे गेहूं हैं इसमें, अभी छोटे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूं चौथे खेत की तरफ, तो इस खेत में गेहूं की फसल हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छे गेहूँ हो रहे हैं, और इस एरिया में आप देखेंगे तो सभी तरफ गेहूँ ही दिखाई देंगे आपको। और इस साइड में जो बाग के पीछे एक दूसरा गांव है, और इधर जो धुआं से दिख रहा है आपको वो एक दूसरा गांव है। इस साइड में जो गेहूं की फसल है लगभग सभी एक ही बराबर के गेहूं हैं, तो कुछ ही 4-5 दिन का अंतर होगा जब बोए गए होंगे। ये जो गेहूं की फसल आप देख रहे हैं ये सारी फसल है जो मार्च के लास्ट में पकेगी और वही अप्रैल के महीने में कटेगी है। तो ये वाला जो हमारा खेत है लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता होगा, 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, बट ये सबसे ज़्यादा दूर खेत है हमारा। तो आज संडे का दिन था, मैं फ्री था, तो मैंने सोचा फिलहाल टहलने चलते हैं, तो खेतों की तरफ टहलने आया था, तो मैंने सारे खेत आपको दिखा दिए, क्या क्या है खेतों में, और जो भी फसल थी वो मैंने आपको दिखाई है। एक्चुअली ना इस अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एक्चुअल कलर नहीं आ रहे हैं, मेरा फेस भी वाइट सा दिख रहा है, हेयर वाइट से दिख रहा है, या फसल का जो भी कलर है वो भी क्लियर नहीं दिख रहा है, जैसे कि येलो कलर का थोड़ा सा वो टच आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो ग्रीन ही है। कुछ कुछ फसल है जो येलो हो गई है, और जो फसल येलो हो जाती है उसको थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी उर्वरक वगैरह की या फिर पानी वगैरह की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से भी कभी कभी गेहूँ पीले पड़ जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। मेरा जो दूसरा जिससे मैं रिकॉर्ड करता था वो मेरे पास है नहीं अभी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता क्यों नहीं है मेरे पास, और कब आएगा वो भी नहीं पता, और वीडियो क्यों डिले हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। यहाँ पर खेतों में मटर तोड़ी जा रही है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही।